हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। हमारा अगला टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। तो देखो, आर्मेचर रिएक्शन में होता क्या है। सपोज़ करो तुम यहाँ पे पोल प्लेस किए हो और ये तुम्हारा रोटर है। ओके, हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो आई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इन ये कंडक्टर्स हैं, ये सभी कंडक्टर्स हैं, तो इसमें इन आर्मेचर्स में आर्मेचर में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नाउ यहाँ पे फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, तो फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फील्ड MMF का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, राइट, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको एक्सिस ले रहे हैं, एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और फ्लक्स का भी डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, फील्ड फ्लक्स का। नाउ हम सेकेंड डायग्राम में देखते हैं। पहले वाले में हम क्या लिए थे, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम आर्मेचर करंट को अज्यूम करेंगे। तो सपोज़ करो इस डायग्राम में कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, तो लेफ्ट वाले कंडक्टर, जो ये लेफ्ट साइड कंडक्टर है, उसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ करंट फ्लो करेगा, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और इन द सेम वे राइट हैंड साइड में जो कंडक्टर्स है उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अंदर की तरफ कर रहा था, राइट हैंड साइड में करंट बाहर की तरफ फ्लो करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या होगा, इसमें भी फील्ड बनेगा। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ से। ओके, तो इसका डायरेक्शन है, यानी कि अगर इस एक्सिस पे देखा जाए, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो इस एक्सिस पे देखेंगे तो इस एक्सिस पे देखो, इस एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जो कंडक्टर्स के वजह से बन रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे नीचे की तरफ बन रहा है। सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है, यहाँ पे जो फील्ड बन रहा था उसका डायरेक्शन क्या था, राइट साइड, और इसमें क्या है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू आर्मेचर, और इसमें जो MMF बनेगा दैट इज ड्यू टू आर्मेचर नीचे की तरफ। तो देखो, अगर हम दोनों कंडीशन ले रहे हैं, ये भी कंडीशन ले रहे हैं और ये भी कंडीशन ले रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा। अब देखो इस डायग्राम में, अगर इसके क्रॉस फील्ड जनरेट हो रहा है इस तरीके से,
अगर इसके क्रॉस फील्ड जनरेट हो रहा है, इसमें किधर से हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और जो फील्ड बन रहा है कहाँ से कहाँ बनेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो देखो इस सेक्शन में, देखो इस सेक्शन में, देखो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे फील्ड किधर से ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, ग्रीन वाला हम फील्ड से रिप्रेजेंट किए हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये आर्मेचर एमएमएफ भी है। ओके, इस सेक्शन में, यानी कि इस सेक्शन में क्या होगा, फ्लक्स मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। और यहाँ पे देखो इस सेक्शन में, नीचे वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो किधर से जा रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है, और नीचे वाले सेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस सेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले सेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले सेक्शन में, इस सेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा और इस सेक्शन में डीमैग्नेटाइजेशन होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ जाएगा और नीचे वाले सेक्शन में क्या होगा, नीचे वाले सेक्शन में क्या होगा, फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो नीचे वाले सेक्शन में फ्लक्स घट जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, अगर हम साउथ पोल की तरफ देखें, तो देखो ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट आ रहा है, और जो कंडक्टर का जो फील्ड है, आर्मेचर का जो फील्ड है, वो राइट से लेफ्ट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, आर्मेचर फील्ड ये क्या कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ओके। और नीचे वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, ग्रीन वाला किधर से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे ऑरेंज वाला देखो किधर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो इस साइड क्या हो रहा है, फाई एफ एंड फाई ए इज इन सेम डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इस साइड ऊपर के साइड फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और नीचे के साइड फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से देखो, इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, और इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, घट कहाँ पर रहा है, इस वाले सेक्शन में फ्लक्स घट रहा है और इस वाले सेक्शन में फ्लक्स घट रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन, ओके, और इस सेक्शन में क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन, ओके। तो जहाँ पे भी फ्लक्स तुमको सपोर्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन, और जहाँ पे तुमको फ्लक्स अपोज कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। नाउ नाउ अगर हम टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स इस वाले सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में, फाई एफ का डायरेक्शन किधर है, फाई एफ का डायरेक्शन
इस साइड है, ओके, और फाइ ए का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, फाइ ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा फाइ आर। इसका मतलब जो फील्ड है, ये जो तुम्हारा फील्ड है, पहले नॉर्थ से साउथ पे जा रहा था, सीधा जा रहा था, अब ये सीधा नहीं जाएगा, अब ये कैसे जाएगा, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और इस सेक्शन में क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, राइट। तो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन किधर हो रहा है, ऊपर वाले सेक्शन में, तो तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा अब इस तरीके से, फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस तरीके से, ओके, यानी कि तुम्हारा रिजल्टेंट किधर बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, रिजल्टेंट किधर बन रहा है, फाई आर इस डायरेक्शन बन रहा है, इनिशियली जो तुम्हारा फ्लक्स था वो इस डायरेक्शन में बन रहा था, फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में बन रहा था, और आर्मेचर तुम्हारा इस डायरेक्शन में बन रहा था फाई ए, यही होता है तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन, ओके, जहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, और इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि ये किसके वजह से हो रहा है, आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो इनिशियली तो वो सीधा जा रहा था, लेकिन किसके वजह से मुड़ा, आर्मेचर में करंट फ्लो कर रहा है, इस आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से, इसी के लिए ये जो फील्ड है वो हम किसके प्रोपोर्शनल बनाते थे, आर्मेचर करंट के, तो जहाँ पे भी तुम्हारा आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, जिस फेज में करेगा, उसी फेज में ये एफ ए का भी डायरेक्शन होगा, ओके। नाउ सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं दैट आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस ज़ीरो होगा, तो देखो अगर हम सर्किट मॉडल देखें इसका, तो ये फील्ड है और इसमें फील्ड करंट जा रहा है आई एफ, इसके वजह से ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है, और जो रिजल्टेंट ई एम एफ बनेगा एयर गैप में वो होगा ई आर। नाउ इस ई आर से टर्मिनल वोल्टेज कनेक्टेड है, इस ई आर से टर्मिनल वोल्टेज कनेक्टेड है थ्रू आर ए एंड एक्सएल। तो अगर जनरेटिंग मोड है, तो यहाँ पे ये सप्लाई देगा, ओके, मशीन मेरा सप्लाई देगा टर्मिनल वोल्टेज पे, तो यहाँ पे इक्वेशन का क्या बनेगा, वी टी इज इक्वल टू ई आर माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्सएल, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को ज़ीरो माने हैं, ओके, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे आर ए और एक्सएल को ज़ीरो मान रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे देन वी कैन टेल दैट वी टी इज इक्वल टू ई आर, ओके, वी टी इज इक्वल टू ई आर। नाउ यहाँ पे हम टर्मिनल वोल्टेज एयर गैप ई एम एफ के बराबर रखें। नाउ अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फेजर डायग्राम का एक बार हम रिवीजन करते हैं, किस तरह से बनता है फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले फील्ड का डायरेक्शन किधर है, स्टेटर का एक्सिस इधर है, ओके, ये स्टेटर का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ
ए ए डैश, ओके ये ए कॉइल है और ये ए डैश है, यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो सबसे पहले फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, राइट, फील्ड का डायरेक्शन। और फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, फाई एफ इधर होगा, राइट। अब देखो अभी हमको क्या मिला, फील्ड का, हम सिर्फ फ्लक्स बना रहे हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है और फ्लक्स का भी डायरेक्शन इधर है, ओके इस एक्सिस पे। नाउ अगर ये 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे आता है, 90 डिग्री का रोटेट करके यहाँ पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, तो क्या होगा, अगर ये इस एक्सिस पे आता है 90 डिग्री रोटेट करके, तो फील्ड का डायरेक्शन अब किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ओके फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहाँ पे जब ये कंडक्टर, एक कंडक्टर अगर इस फील्ड को कट करेगा, अगर इस फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ, ओके इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इस फ्लक्स के वजह से, फाई एफ के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, ओके यानी कि ईएमएफ लैग फाई एफ बाई 90 डिग्री, ओके यानी कि फ्लक्स जब 90 डिग्री रोटेट किया तब जाके उसमें ईएमएफ बना, ओके तो अब यहाँ पे जाके ईएमएफ बना, जो बन रहा है वो हम इस एक्सिस पे रख रहे हैं, तो 90 डिग्री के बाद यहाँ पे जाके ईएफ बना। अब देखो अगर ये इस कंडक्टर में, एक कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसमें कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, राइट, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, तो उस आर्मेचर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण यहाँ पे करंट बनेगा आइए, और ये करंट लैग करेगा ईएफ को बाई थीटा एंगल, ओके थीटा एंगल से लैग करेगा। तो सपोज करो यहाँ पे थीटा एंगल से आइए लैग हो रहा है, ओके आइए थीटा एंगल से लैग हो रहा है, तो अगर आइए थीटा एंगल से लैग होगा, अगर आइए थीटा एंगल से लैग होगा, तो देखो हम आर्मेचर रिएक्शन में तुमको बताए थे ये फील्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, आइए करंट, आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर आर्मेचर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो फाई ए है वो क्या होगा, उस करंट के फेज में होगा, राइट, क्योंकि ये फाई ए किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू आर्मेचर करंट, ये फाई ए किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू आर्मेचर करंट, तो यानी कि ये फाई ए और ये आर्मेचर करंट क्या होगा, फेज में होगा, एक ही फेज में होगा। सो इन द सेम वे यहाँ पे करंट बन रहा है आई ए इस आर्मेचर कंडक्टर में, ए में, तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो इसी, इसके ही फेज में होगा फाई ए, ओके तो इस आर्मेचर कंडक्टर के कारण जो करंट बन रहा है उसी के फेज में होगा फाई ए, ओके तो देखो किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो फील्ड बनाएगा, राइट, यानी कि वो फ्लक्स जनरेट करेगा, और वो फ्लक्स हम रिप्रेजेंट किए फाई ए से। अब यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कब आता है, देखो आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है, डीमैग्नेटाइजिंग कब होगा, जब फाई ए अपोज करेगा फाई एफ को, ठीक है, यानी कि आर्मेचर फ्लक्स जब अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को, तो आर्मेचर फ्लक्स कब अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को, जब आई ए जो है, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ओके तो जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जब थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, ये फील्ड फ्लक्स को जो ऊपर के डायरेक्शन में था इसको अपोज करेगा फाई ए, ओके नाउ देखो यहाँ पे फाई ए किस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में,
तो जो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा वो किधर बनेगा, फाई ए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फाई ए, राइट। सो मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ बनेगा, इधर फाई आर, ओके। अब इस फाई आर के वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखो, इस फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ ईएफ, राइट। इस फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ ईएफ, तो अगर फाई एफ के कारण ईएफ इंड्यूस हो रहा है तो फाई आर के कारण भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो ईएफ क्या था, 90 डिग्री लैग कर रहा था, तो फाई आर के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज़ ई आर, वो भी इसको 90 डिग्री लैग करेगा, ओके, 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ पे फाई एफ ऊपर के डायरेक्शन बन रहा है, फाई आर नीचे के डायरेक्शन बन रहा है, इस डायरेक्शन में फाई आर बन रहा है, ओके। तो सॉरी, फाई ए बन रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो फाई एफ ऊपर के डायरेक्शन में बन रहा है और फाई आर नीचे के डायरेक्शन में बन रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स फाई आर, ओके। नाउ एयर गैप फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ओके। और अगर फाई आर इधर बन रहा है तो ई आर किधर बनेगा, इस फ्लक्स के कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसको हम लिखेंगे ई आर, ओके। और ये ई आर इनिशियली, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो और लीकेज रिएक्टेंस ज़ीरो हो, तो ई आर इक्वल टू क्या होता है, वी टी, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वी टी। यानी कि जब मेरा करेंट लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो क्या हो रहा है, मेरा डी मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे मेरा पहला कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग दैट इज फाई ए अपोज फाई आर, देन अब देखो ये हम किसका बनाए थे, जनरेटर का बनाए थे, राइट। इक्वेशन हम किसका लिखे हैं, जनरेटिंग मॉडल का, ओके, जनरेटिंग मॉडल का। और ये वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम किसका बनाया है, जनरेटर का, ओके। तो अगर करंट यहाँ लैग करेगा, सॉरी, अगर आर्मेचर रिएक्शन मेरा डीमैग्नेटाइजिंग होगा, दैट इज़ फाई ए अपोज फाई आर, देन जनरेटिंग मशीन विल सप्लाई किस तरह का करंट सप्लाई कर रहा है। देखो ये कितना डिग्री से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से, राइट। तो कॉस 90 क्या होता है, दैट इज़ ज़ीरो, यानी कि इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो। और ये कैसा है, लैगिंग नेचर का है। तो ये जो करंट है वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग करंट, देन जनरेटिंग मशीन विल सप्लाई ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग करंट। ये तो हो गया डीमैग्नेटाइजिंग का। मैग्नेटाइजिंग कब होगा, जब देखो मैग्नेटाइजिंग कब होगा, फाई ए और फाई एफ दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। अगर फाई एफ और फाई ए दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जब इंक्रीज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग। अब देखो फाई ए किसके फेज़ में, आई ए के फेज़ में, तो फाई ए और आई एफ दोनों एक डायरेक्शन में कब होगा, जब आई ए लीड करेगा ई एफ को बाय 90 डिग्री। सो when IA lead by 90 degree,
तो आई ए क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन बनेगा, और फाई ए भी ऊपर के डायरेक्शन बनेगा। नाउ करंट लीड कर रहा है राइट, और यहाँ पे फाई एफ क्या होगा, वो भी ऊपर के डायरेक्शन बनेगा। ओके, यानी कि अगर फाई एफ ऊपर के डायरेक्शन बन रहा है, फाई आर ऊपर के डायरेक्शन में बन रहा है, तो जो तुम्हारा फाई आर होगा रिजल्टेंट फ्लक्स, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा। ओके, तो फाई एफ प्लस फाई ए ये तुमको क्या देगा, फाई आर रिजल्टेंट। ओके, फाई आर। ओके, तो ये फाई आर के वजह से एक ई एम एफ इंड्यूस होगा राइट, और ये ई एम एफ 90 डिग्रीज को लैग करेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ई आर, पर हम बताए थे जब आर्मेचर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस जीरो होता है तो ई आर इक्वल टू क्या होता है, वी टी। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई एफ और फाई ए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। सो ये कैसा हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन कैसा हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटाइजिंग। आर्मेचर रिएक्शन यहाँ कैसा हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग, और यहाँ पे करंट क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है राइट, और यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर विल बी कॉस 90 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है हमें, दैट आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग, दैट इज फाई ए सपोर्ट और एड फाई एफ। अगर ऐसा होगा देन द जनरेटिंग मशीन विल सप्लाई, अब देखो यहाँ पे किस तरह का वो करंट सप्लाई कर रहा है, ज़ीरो पावर फैक्टर, लीडिंग करंट। नाउ ये तो हो गया मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। नाउ हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होता है, यहाँ देखो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होता है, तो हमारा फायर का डायरेक्शन इधर है और उसके परपेंडिकुलर मेरा क्या लग रहा है, फाई ए राइट। ये अगर फायर है तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या लग रहा है, फाई ए, यानी कि यहाँ पे फाई ए जो है वो 90 डिग्री लैग करेगा। और अगर फाई ए 90 डिग्री लैग करेगा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे करंट, आर्मेचर करंट भी है वो 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, सो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होगा, जब फाई ए फाई आर को 90 डिग्री लैग करेगा। नाउ अगर हम इसको प्लॉट करें तो फाई एफ का डायरेक्शन किधर होगा, फाई एफ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और सपोज करो आई ए लैग कर रहा है, ओके, ई एफ को, ई एफ को लैग कर रहा है, और यहाँ पे फाई ए इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो अगर फाई ए इस डायरेक्शन में बनेगा, अगर फाई ए इस डायरेक्शन में बनेगा तो फाई आर किधर बनेगा, यहाँ पे, ये फाई ए और ये फाई आर। तो हम अभी क्या बोले, फाई ए जो है वो फाई आर को 90 डिग्री से लैग करेगा। नाउ अगर फाई ए 90 डिग्री से लैग करेगा और यहाँ पे फाई एफ के वजह से ई एफ जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी फाई आर के वजह से ई आर जनरेट होगा।
तो फाई एफ की वजह से जो ई एफ जनरेट हो रहा है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है फाई एफ को, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रहा है फाई एफ को। सिमिलरली फाई आर की वजह से जो ई एम एफ जनरेट होगा, फाई आर की वजह से जो ई एम एफ जनरेट होगा वो भी 90 डिग्री लैग करेगा फाई आर को, राइट। सो यहाँ पे ई ए और ई आर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, वी टी, ओके, यहाँ पे आई ए और वी टी के बीच में एंगल क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो विच इज़ वन, ओके। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर, ओके, एंड यहाँ पे फाइए लैग हो रहा है, राइट। तो अगर हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, फाइए को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका किधर होगा, इस डायरेक्शन में, जो तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट को हम लोग लिखते हैं फाई क्यू, और इस कंपोनेंट को लिखते हैं हम फाई डी। ये तुम्हारा डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट कहलाता है, ओके, क्योंकि ये देखो क्या कर रहा है, फाई एफ के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट कहलाता है। नाउ यहाँ पे करंट कुछ एंगल से लैग कर रहा था, ओके, कुछ एंगल से लैग कर रहा था। तो देखो इसमें अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आ रहा है और डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट बहुत कम आ रहा है, राइट। यहाँ पे मोस्टली क्या आ रहा है तुम्हारा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्योंकि आईए जो है वो कुछ एंगल से लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज़्यादा होगा रैदर दैन डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, ओके। इसको हम लिखते हैं ये हो गया तुम्हारा डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, ये हो गया तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। सो वी कैन टेल दैट आर्मेचर रिएक्शन इज मोस्टली मोस्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड स्मॉल डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट व्हेन जनरेटर इज सप्लाइंग यूनिटी पावर फैक्टर करेंट। देखो बेसिकली अगर ई एफ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, मतलब कि जनरेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर करंट भी सप्लाई करता है तो वहाँ पे डी मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आएगा, और लैगिंग में क्या करता है, सिर्फ डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट दिखाएगा, और कम्प्लीटली 90 डिग्री से लैग कर रहा है तो डी मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट दिखाएगा, और यहाँ पर अगर लीड करता है तो वो मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट दिखाएगा। मतलब कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, ओवरऑल कंक्लूजन हमको क्या मिल रहा है, दैट व्हेन मशीन सप्लाई लैगिंग पावर फैक्टर करंट
लैगिंग पावर फैक्टर करंट, देन आर्मेचर रिएक्शन हैज बोथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड वेन मशीन सप्लाई लीडिंग पावर फैक्टर करेंट देन आर्मेचर रिएक्शन हैज मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ओके.